are in Paris. हमारी ट्रेन आ गई है. And we have made it to the airport. Hi guys, welcome to my YouTube channel, The Brown Daughter. I'm Janvi Tiwari and I am vlogging today. बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अभी मुझे क्योंकि हमने अभी चेकिंग किया है ये होटल में. सो वी आर राइट नाउ इन फ्रांस. वी आर इन नीस एंड बहुत ब्यूटीफुल सिटी लग रही है. जितनी भी हमने ट्राम से देखी बहुत अच्छी लगी. एंड वी आर स्टेइंग एट दिस नेपच्यून बुटीक होटल जो बहुत ज्यादा अच्छा है. काफी क्यूट थी इनकी जो बंदी जो हमें समझा रही थी एंड ऑल ऑफ दैट वेरी नाइस पीपल. जस्ट दैट शी वॉज कॉन्स्टेंटली टेलिंग के प्लीज अपने सामान का ध्यान रखना है यहाँ पे. आप इसके बाद पेरिस जा रहे हो प्लीज ध्यान रखना आपके सामान का. सो यस, और यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा नहीं है स्विट्जरलैंड जैसी. सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट एज वेल. नाउ लेट्स गेट रेडी एंड लेट्स गो आउट. 4 बज गए हैं. जितना और हमने सुबह से कुछ अच्छा नहीं खाया, मतलब कुछ भी नहीं खाया अब यही समझो. तो चलते हैं कुछ अच्छा खाते हैं. एंड लेट्स गो. वी आर ऑल रेडी. एकदम ऐसे क्यूट सी बनने की ट्राई की है, पता नहीं अब बन पाई हूँ या नहीं, बट ठीक है. ये है हमारा वॉशरूम गाइस बाय द वे. इग्नोर दिस प्लीज. ये है वॉशरूम. यहाँ थोड़ा सा ऐसे एंट्री का है. यहाँ पे आपको मिरर मिल जाएगा, आप यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज हैंग कर सकते हो. यहाँ पे है छोटा सा बेड एंड देन वी हैव अ विंडो जिसका व्यू बहुत अच्छा है. लेट मी शो यू. ये देखो हाउ प्रिटी. अगर ये ट्रिप पे हमारा कुछ भी चोरी नहीं होता है तो मैं गिव अवे रखूंगी. क्योंकि पता है हमने जितने वीडियोस देखे हैं ना, मतलब जगह बहुत सुंदर है सब, पर सब अभी हमने यहाँ होटल में चेक इन किया, वो होटल वाली बंदी बोलती है बहुत अच्छा है सब जाना, बट बी केयरफुल विद योर बिलोंगिंग्स. और पता है मैं ना पहली होगी, मैंने जितने लोगों से बात की जो पेरिस गए सबका कुछ ना कुछ चोर चुरा है. यहाँ तो मैं चुराऊंगी कुत्ते कुत्ते के बच्चे. ये स्ट्रीट पे सिर्फ लोग वॉक कर सकते हैं एंड बीच में थोड़ी सी ट्राम चलती है. एंड यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं. कारा है, सफोरा है, गैस है, सारे अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं. थिंग्स यू डोंट सी इज कैरिंग सिम एंड ऑल. सो अभी हम सिम ले रहे हैं. सिम मिल चुका है एंड नाउ वी आर बैक ऑन द सीट. अलग ही मस्त वाइब है. देख रहे हो, ये देखो भाई क्या क्या मिल रहा है. लिपस्टिक कितने अच्छे लग रहे हैं. Boy, how cute. Very cute boho shop this is. Didi, please get this so you have a manifestation around you for next year that you have to be cool. I am so cool. ये झोले बेचे जा रहे हैं. मेरे पापा ना दुकान का सामान इन झोलों में लाया करते थे. I remember. Look at these. Bye. जोरदार है, जोरदार. सिटी देखो क्या मस्त चमक रही है. एंड यहाँ पे ना क्रिसमस मार्केट भी है जो 1st of Jan तक रहेगा. सो हम क्रिसमस मार्केट भी जाएंगे. एक्साइटेड. अब हम आ गए हैं ओल्ड सिटी. ये काफी अलग वाइब है जहाँ हम पहले थे वहाँ से. वो एकदम रिच सिटी, कूल मेट्रो सिटी टाइप वाइब थी. और ये एकदम मस्त दिख रही है. पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स, विंटेजी एंड टूरिस्टी वाइब. सी हाउ क्यूट द शॉप्स आर. Guys, this is a beautiful cathedral और ये बहुत बड़ा है. We are here to get some hot chocolate. वैसे यहाँ पे लोग ज़्यादातर लेकर के लिए आए क्योंकि ये टाइम पे ये लोग सिर्फ ड्रिंक्स ऑफर करते हैं एंड 7 बजे के बाद खाना मिलेगा. बट इनकी वाइब बहुत हैपनिंग. वहाँ पे एक मस्त से अंकल गिटार बजा रहे हैं एंड सब अपना इंजॉय कर रहे हैं. नाइस टाइम. वी हैव सम नाचोस. नाचोस को और बेटर बनाने के लिए हम डालेंगे मैगी मसाला. यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, जगमगाती हुई सी. बट कोई भी खाना नहीं दे रहा यार इस वक्त. ऐसा कौन करता है. हम ना यहाँ पे बहुत चले लेकिन हमने बहुत सारा मैदा खाया एट द सेम टाइम. लाइक व्हाट डू यू से व्हेन योर सिस्टर डजंट लिसन टू यू. दी आर. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा सा सीक्रेट शेयर करना है. सो वेडिंग सीजन इज हियर एंड हम लोग काफी मेकअप करते हैं
एंड मेकअप का कोर होता है बेस मेकअप. सो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल हाउ टू अचीव दैट परफेक्ट ड्यूई मेकअप लुक विदाउट मेकिंग योर बेस मेकअप गो ग्रे और एशी. सो माई सीक्रेट टू दैट परफेक्ट बेस विथ यू नो ड्यूई हाईलाइटेड ग्लो इज लैक्मे लूमी क्रीम. यू ऑल नो आई लव द ब्रांड लैक्मे एंड लैक्मे लूमी क्रीम इज वन ऑफ देयर बेस्ट प्रोडक्ट क्योंकि ये ना मॉइस्चराइज करता है मेरे ड्राई स्किन को विद अ हिंट ऑफ हाईलाइट इन इट. सो आई रियली लाइक इट एंड आई एम गोइंग टू शो यू ऑल हाउ आई यूज इट. सो आई लाइक टू टेक थोड़ा सा प्रोडक्ट डू 3 डॉट्स लाइक दैट एंड देन वी आर गोइंग टू ब्लेंड इट. इट ब्लेंड सो ब्यूटिफुल. डू यू सी दैट ग्लो? Wow. This product is very versatile. It can be used as a base makeup to get that perfect dewy look and it can be used as a highlighter to add that final touch. And guys, that's my final look. Do you see how this cream has given me that 3D highlighted look? I love it. I love my Lakme Lumi cream. This is linked in the description box, so do check it out. और गधे लोग डेजर्ट पहले खाने आते हैं और इसके बाद हम डिनर करने जाएंगे. और इससे पहले दीदी ने आइस क्रीम पी है, मैंने हॉट चॉकलेट विद नाचोस. ओके, नाउ वी गोइंग टू हैव सम चुरोस एंड देन वी विल बी हैविंग सम पास्ता. पर बहुत क्यूट प्लेस है भाई ये. One of the yummiest desserts that I've had. I'm coming again to have. और मम्मी से वीडियो कॉल कर रहे थे. पहली चीज मम्मी चली गई अपने मायके क्योंकि उनको घर हमारे बिना अच्छा नहीं लगता, तो वो मायके चली गई. अच्छा है, गुड फॉर हर. थोड़ी काम रहेंगी वो वहाँ पे. अभी नानी वीडियो कॉल करती है और बोलती है उन्होंने कहीं ये फैक्ट पढ़ा था कि फ्रांस में मच्छर नहीं होते. फ्रांस इज द ओनली कंट्री जहाँ पे मच्छर नहीं होते. मुझे बेटा बताओ वहाँ पे मच्छर तो होंगे ना, क्योंकि उन्होंने पढ़ा था मच्छर नहीं. आई नीड टू टेल यू अ वेरी स्टूपिड फैक्ट अबाउट गोपाली तिवारी. इसके पाओ भले इतने छोटे हो लेकिन इतनी तेज चलती है, ये इतनी तेज चलती है मेरा दिमाग खराब हो जाता है. मतलब काफी बार तो स्टोर में इतनी आगे पहुंच जाती है और मैं पीछे होती हूँ और मुझे लगता है मारू इसे खींच के. यहाँ पे बच्चे गुलाटियाँ मार रहे हैं और फिर यहाँ पे ये भी है, ये जो एकदम एस्थेटिक झूला होता है ना पिंटरेस्ट वाला. यहाँ पे ना बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें हैं. ये देखो हाउ क्यूट, कितना कलरफुल बना रखा है भाई. गाइज लेट मी टेल यू अ फन फैक्ट नंबर 2 अबाउट गोपाली तिवारी. ये रेस्टोरेंट के सामने जाती है, उनकी वाइफ पसंद आती है तो उसका गूगल रिव्यू देखती है और चेक करती है कि इनको कितनी रेटिंग मिली है, यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं. नहीं चलो ठीक है. और दो दो मिनट प्यार दिलाड़ी. चोरी तो नहीं है, बहुत चोरी तो नहीं हुई. वी आर हियर एट दिस प्लेस कॉल्ड कासा लेया. फाइनली दीदी की वाइब और रिव्यूज दोनों मैच कर गए थे. नन्नी चक्की बता कैसा है? इट्स टेस्टलेस, बेसलेस. इसमें हम खुद ही बनाते हैं थोड़ा सा, ये दे देते हैं हमें खाली बॉईल करके. हम यहाँ कुकिंग गोपाली कर रहे होते हैं. मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है और मुझे वो वाले पास्ता इतने से ऐसे मन को भाई नहीं मेरे, तो मैंने सोचा हम देखते कुछ स्पाइसी खाने के लिए. भाई मैं ना मेरी आलियो ओलियो ढूंढ रही हूँ और मुझे अभी ऐसा पता चल रहा है कि इटालियन एक्चुअली आलियो ओलियो नहीं था, मजाक था इतने टाइम तक. सो मुझे लगता है कि अब हम थोड़ा आइसक्रीम खाएंगे और हम सोचेंगे. हम थोड़ा हमारे प्लान में स्विच अप मार रहे हैं, सोच रहे हैं आइसक्रीम नहीं खाते हैं क्योंकि अभी थोड़े और दिन हैं जो हमें यहाँ काटने हैं, हम बीमार नहीं पड़ सकते. सो वी आर प्लानिंग टू गो विद हॉट चॉकलेट. लुक एट माय हॉट चॉकलेट, कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है. वाओ, ये ना हमारे होटल के एग्जैक्ट बाजू में प्लेस है. वेरी क्यूट. And we are back at our hotel and I'm just going to remove my makeup and just do a little bit of skincare. और हम कल मिलते हैं. And also guys, ये देख रहे हो ये मेरा स्किन केयर है. This is a very good thing. I'll try to link it down in the description box. आप इसको कहीं पे भी टंगा सकते हो. और ये तो मैंने थोड़े ऑर्गेनाइजर्स लिए थे Amazon से जिसमें आप आपके कपड़े रख सकते हो, बट एक में मैंने मेकअप रख दिया बिकॉज मेरे को थोड़ा फैला के दिखना चाहिए मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स टाइप. एंड ऑल्सो गाइज मेरे पास ना एक ही मेरा
बालाजी का नाइक रखेगी ये मसाला मस्ती बाकी था. दिस इज वेफर्स बट अब ये चूरमा वेफर्स हो गया है. बट आई जस्ट सेव्ड इट फॉर अ स्पेशल नाइट एंड आई थिंक आज मैं खाऊंगी इसे. बालाजी पीपल आपने तो गुजराती छे, लेट्स कोलैबोरेट, लेट्स कोलैबोरेट बालाजी. आई लव यू गाइस सिंस माय चाइल्डहुड. Dude, what is kurkure? What is lace? What is everything in front of my dear Balaji? तू ये Balaji का magic masala मैं आलू से मैं बोल रही हूँ Balaji people brand ambassador बनाओ हमको guys. हम हर जगह जाके तुम्हारा खाएंगे. Hello everyone, good morning. So हम परसों यहाँ आए. Basically we are in Paris. हम नीचे Paris आए and Didi was vlogging. एंड आज हमारे पास लास्ट डे है. आज रात में हमें निकलना है वापस घर के लिए एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. बस अब घर जाना है. स्विस हमने बहुत प्लान किया था, पेरिस हम प्लान नहीं कर पा रहे हैं, पेरिस में बहुत बारिश हो रही है. पर ठीक है, हम आए एक बहुत ब्यूटीफुल से स्टारबक्स में अभी एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू गो इन. इट इज ऑल ब्लैक बाहर से और अंदर से बहुत ज्यादा like this, हाँ, ये बहुत विंटेज है, काफी फेमस स्टारबक्स है ये. 11:50 हो गई, कल हमने ज्यादा ही क्योंकि से मजे मार लिया, हम उठ ही नहीं पाया. कल हम सारा के साथ मस्त पार्टी कर रहे. पता अगर ना सारा हमें पेरिस वाली ट्रिप में नहीं यूज हुई हमारी पेरिस ट्रिप और हो जाती है. Wow, dude, wow. It's beautiful. Line देख रहे हो कितनी है. My freaking God. Okay, guys, look at this. कितना ज्यादा pretty बनाया है ये लोगों ने. हर एक झूमर इतने सुंदर है इनके. It has all the black and golden detailing. So that's what we have ordered. मैंने हॉट चॉकलेट मंगवाई है, दीदी ने मंगवाया है जिंजर ब्रेड लाटे विद सम स्ट्रॉबेरी योगर्ट एंड ये कुछ तो रैप है. सामने मिरर है. लव द एस्थेटिक्स इन हियर. नेवर बीन टू सच स्टारबक्स बिफोर. पता है अपने इंडिया में कैसे वो एकदम रॉयल महल टाइप होता है ना, महल जैसा वो बनाया, स्टारबक्स बनाया है. वेरी ब्यूटिफुल. मम्मी से वीडियो कॉल कर रहे हैं. मम्मा रो रहे हैं कि हम आ जाएं. मम्मी अब तो मैं भी रो ही दूंगी, बस अब मुझे भी आना है. मुझे इस लड़की के साथ नहीं रहना. मुझे भी तेरे साथ नहीं रहना है. मम्मी अब हम थोड़े दिन एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे. नहीं देखना, अब तू अपने कमरे में रही हो, मेरे कमरे में आना भी मत. वी आर इन ओपेरा राइट नाउ एंड लेट मी शो यू ऑल अराउंड. यहाँ का आर्किटेक्ट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है. सो हियर वी आर. आई डोंट नो ये सामने क्या है बट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड ओ माई गॉड थोड़ा सा सन आया एंड आई एम सो हैप्पी. पेरिस इज एक्चुअली वेरी प्रिटी एंड यहाँ पे ना एक एलवी का भी म्यूजियम है. पर हम म्यूजियम में थोड़ा इंटरेस्टेड काम है तो लेट्स सी व्हाट वी विल बी डूइंग. यहाँ पे इतनी सारी ब्रांड्स है, मुझे आधों का तो नाम ही नहीं पता है. फादर सन्स पुरसेक और यहाँ के काफी लोकल भी है और थोड़े इंटरनेशनल भी है. इट्स ऑल फन. यहाँ पे ना ऐसी फ्रेंच सुवीनियर शॉप्स होती हैं जहाँ पे आपको बहुत क्यूट क्यूट चीजें मिलती है. लुक हाउ ब्यूटीफुल दीज फोटोज आर. ये क्या है ब्रो, बहुत क्यूट शॉप्स हैं यहाँ पे. ये देखो, आई लव दिस. ये एस्थेटिक कितना ब्यूटीफुल है. ओ माय गॉड, एम्बैरेसमेंट मैक्स. ये मैडम ने एक बुक निकाली और पूरा ये नीचे क्यों कैसे कर ली थी आप फिर क्या भाई. अपने आप कैसे गिर गया, मुझे आवाज तो आई थी दूर से. आई एम ऑब्सेस्ड विद दीज. बहुत सुंदर है. सी द डॉगीज कैट. ये देख रहे हो, ये बुक मार्क्स हैं. दे आर सो प्रिटी. लुक, हम ना एमलेन पेरिस की सारी लोकेशंस देख रहे हैं जस्ट इन केस हमें जाना हो तो. पूरा पेरिस काफी सिमिलर ही लगता है. इन्होंने जो पेरिस दिखाया है वैसा नहीं है. लोग इतने कलरफुल कपड़े पहन के नहीं निकलते. लोग यहाँ पे उल्टा बेज एंड ऑल प्रेफर करते हैं एंड इनका हर एक कॉर्नर कुछ ऐसा ही लगता है. नॉट दैट जस्ट वन बिल्डिंग और टू बिल्डिंग. हम दोनों को मिल गए हैं अपनी अपनी स्कूटर. लेट्स गो. छोटा डॉन.
इसको बहुत कूल लग रहा है चश्मा लगा के। नहीं, नहीं, इतनी धूप आ गई थी सडनली कि वो सीधी आंख और इधर की धूप सीधा आंख के अंदर ही जाके लगती है। अरे हाथे तो आई थॉट कि चश्मा लगा लेते खरीदा तो अभी पैसे दे के। गाइस बहुत मजा आ रही है चला के, इट इज वन ऑफ द बेस्ट। नहीं जाना, हमें जाना बहुत जगह है वैसे, हमारे आज बहुत सारी चीजें कवर करने, बट इसको चलाने में मजा आ रही है और अब हम इससे जाएंगे। वी आर ऑब्सेस्ड विद दिस एंड दिस आईफिल टावर। मैं और दीदी खाना ढूंढने निकले थे एंड दिस इज जस्ट ऐसे राउंड सर्कल और आपके आजू बाजू जो जो महंगी ब्रांड्स है सब है। आई रेयरली नो फ्यू जिनको मैं बोल सकती हूँ। सबका मिलके घर जाएंगे, हर सबका घर जाएगा गाइस इसमें। लेट मी शो यू ऑल नाउ। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, इट्स अ होल फ्रीकिंग सर्कल एंड देयर इट गोज। और कितने शनल है यहाँ पे, पेरिस हैज सो मेनी शनल। लुक एट दिस लुई विटों शॉप, damn, never seen something like this before. But the best thing in the world is this. दीदी मजा आ रही है, देखो बहुत मजा आ रही है, बहुत कंफ्यूजिंग। ये गाड़ी देखो, damn, full on vibe है। अंदर कपल भी ऐसे full vibe ही कर। We are here at a restaurant to have some food. We have ordered vegan Thai curry, some rice and some Coca-Cola. We are right now in hearts of Paris and bhai, ye kya hi jagah hai? That's the street we are on. और ये गधी औरत, उसने पूछा थाई करी क्या होता है, तो बोलते हैं थाईलैंड एक जगह। डू यू नो दैट? ऐसे कौन बोलता है यार, इतना एम्बैरेस करती है ये लड़की। ये ना वन ऑफ द बेस्ट डिशेज है जो मैंने पूरे पेरिस या पूरे ट्रिप पे खाई। आई लव दिस। बहुत महंगा और अच्छा खाना खाया, एक चावल का दाना भी वेस्ट नहीं किया हमने। पीछे आप लाइन देख रहे हो, देखो एक बार ध्यान से, ये देखो गाइस, ये लाइन दिख रही है, ये लुई विटोन के अंदर जाने की लाइन है। ये लोगों को 1.5 लाख का बैग खरीदने लाइन में लग गए भाई। मुंह पे खड़े होके कैमरा मारिए इनके हो। और यही एम्बैरेसमेंट है जो मुझे पूरी ट्रिप पे झेलनी पड़ती है। इनको शर्म नहीं आ रही इतनी लंबी लाइन में लगने की 1.5 लाख का बैग खरीदने के लिए? मैं क्यों शर्माऊं, मैं तो दूर से खड़े होकर फोटो ले रही हूँ। सो फॉर आवर लंच वी आर हियर, इन केस यू वांट टू हैव सम गुड वीगन थाई करी प्लीज कम हियर। हम जो रेस्टोरेंट में बैठे थे ना, हमने आजू बाजू वालों से बहुत बातें की, मजा आया मेरे को, बहुत मजा आया। हमें एक कपल मिला जो फ्लोरिडा से था, वो कोई आइलैंड पे रहते हैं, बट उनको भी अपने इंडिया के बारे में पता था। और इंडिया का खाना मतलब मेन ना, एवरीबॉडी नोज बिकॉज ऑफ इंडियन फूड, मेरे को इतना अच्छा लगता है सुन के, इतना। फिर तीन लड़कियां थी सऊदी अरेबिया की, उनको भी इंडिया का खाना और गोवा बहुत पसंद है। लाइक सेम ब्रो जो कह रहे थे आई वॉन्ट टू कम टू गोवा, और मुझे प्रॉपर्टीज के नाम बता दी, मैंने ये प्रॉपर्टीज देख के भी रखी है। हम पहुंच गए हैं शॉज अली से एंड यहाँ से हमें दिख रहा है आग दे ट्रैम्प। आई होप मैं सही बोल रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्लाउड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं स्ट्रीट पे, इट्स सो ब्यूटीफुल। रैंडमली कोई भी स्टोर में जा रहे हैं हम लोग, बिकॉज दैट्स हाउ यू एक्सप्लोर राइट। एंड देयर सम क्रेजी शू कलेक्शन, आई लव इट। वी जस्ट स्टेप्ड आउट फ्रॉम द स्टोर and the whole street is so lit. This place speaks a lot of art. So basically every kind of art, like आप कहीं पे भी जाओगे किसी भी जगह का पोस्टर नॉर्मल नहीं होगा। इन लोगों ने हर जगह कुछ ना कुछ अलग करने की ट्राई की है। लॉट ऑफ आर्ट, आपको गलियों में चलने में ही मजा आ रही है। और यहाँ पे आप किसी भी स्टोर में चले जाओ, देखाओ करो, यहाँ कोई आपको जज नहीं करेगा। तो वैसे लाइक चलते फिरते अलग अलग चीजें देख रहे हैं। हम ना अब ऑफ सीजन में आएंगे यहाँ पे, क्योंकि अब ज्यादा हो गया बहुत। हम इतनी सारी जगह ट्रैवल करके गए थे, कहीं पे इतना रश नहीं था जितना पैरिस में। ट्रू, तो हम वापस आएंगे, बट बहुत सुंदर है। सो शॉज एलिसे पे जो मैकडॉनल्ड्स है, इसपे एमलिन पेरिस का शूट हुआ था एंड आई एम हार्डली गेसिंग कि यही है, क्योंकि ऊपर ओह हाँ एमलिन पेरिस, ये उन लोगों ने ऊपर बैठ के खाया था। लोगों ने सब लिखा है, एकदम से सब कुछ यहाँ पे एमलिन पेरिस हो गया है। आई एम प्राउड मैक्स, चोरी नहीं हुई, गिव अवे होगा, दोनों के चैनल पे अलग अलग गिव अवे होगा भाई। दिस इज दैट आर्क दी ट्रैम, आई विल राइट इट डाउन हियर। मुझे इसका एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन नहीं पता, बट लुक सो गुड, द होल स्ट्रीट इज सो ब्लिंगी ब्लिंगी, स्ट्रेट पेरिस वाइज ना, ये स्ट्रीट ही बोलता है।
वी आर गोइंग टू हैव सम सुशी फॉर आवर डिनर. यहाँ पे वेजिटेबल वाली काफी सारी है, सो लेट्स सी हाउ दैट गोस. काफी बार आप ऐसी जगह आते हो जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है मेन्यू में से, दैट इज मी. कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है. हम घर जाएंगे, मैं दो चार दिन नहीं एक हफ्ता मैं ठंडी के कपड़ों को देखने भी नहीं वाली. गुजरात में वैसे ही ठंड कम पड़ती है कंपैरेटिवली. नहीं पड़ती है उसको भाई, थर्मल तो मैं नहीं देख सकती अब. मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर बीच है. आई एम अ दिल से पूरी की पूरी बीच पर्सन. माउंटेन मेरा हो गया. गाइस हमारा खाना आ चुका है. ये तो सुशी है, ये पकौड़े मंगवा रखे हैं और वो डम्पलिंग्स हैं. खाना खा लिया है एंड अब हम जा रहे हैं हमारे एयरबीएनबी पैकिंग करने के लिए. ऐसे आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो होम बट आई एम सैड दैट दिस. मैं भाई की कल अब हम क्या करेंगे, मैं ये सोच नहीं रही हूं, मैं ये डिस्कस नहीं कर रही हूं कल हमें कहां कहां जाना है. सो आई एम अ लिटिल सैड एंड दिस ट्रिप वाज वे टू गुड एंड वी वर शिट स्कैर्ड. लाइक talking about me, I was the shit scared, but it went really good, so I'm really happy. Hi guys, good morning. It is the next day. I just literally woke up. बहुत rarely होता है कि मैं makeup के साथ सो जाती हूँ, and last night I did sleep with my makeup. I was super tired. अभी 5:20 हो रहे हैं. 6 बजे cab आ जाएगी and we have to head to the airport. And yeah, I'm so excited to go back. चलो फटाफट थोड़ा से कपड़े वपड़े पहनते हैं अच्छे से एंड लेट्स गो. एंड वी आर ऑल रेडी, वी आर लीविंग. आई एम सैड थोड़ा सा दैट दिस ट्रिप इज एंडिंग, बट यस पैक्ड, लेट्स गो. बाय Airbnb, यू आर रियली नाइस. We are at Paris Airport. हमें ना जो छोड़ने आए थे वो इतने ज्यादा स्वीट थे, इतने ज्यादा स्वीट थे. कैसे हग करके, हाँ इतने इतने प्यार से हेलो छोड़ने आए हैं. हाँ से हेलो प्रियो मॉम डैड, एकदम ऐसा लगा मजा आ गया. बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है यहाँ के. पेरिस के बारे में जो जो लिखा होगा वो हो सकता है सच हो, पर हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ. लाइक एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी सो गुड सो स्वीट. लेट मी टेल यू समथिंग गाइस, हम 5:30 घंटे पहले आए हैं एयरपोर्ट पे, क्योंकि ये हमारा 15th डे है. हमारा 15th डे का वीज़ा था, तो अगर ये फ्लाइट मिस होगी ना तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है. तो हम जल्दी आ गए ताकि कुछ गलत हो ही ना, बट बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए. मुझे इतनी नींद आ रही है. 5 मिनट जल्दी कैसे आए, कितने बजने टाइम देखना जरा जाना. हाँ देखना जरा, 4 घंटा जल्दी आए. वॉट एवर गाइस, दे हैव सो ब्यूटीफुल क्रोसॉन्स. आई लव दिस बॉक्स. पेशेंस लेवल 0. हमें बहुत टाइम से ट्राई करने थे. आई विश आप लोग भी टेस्ट कर पाते, बहुत टेस्टी है. हमने और 8 लिए हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छे लगे, और घर के लिए थोड़े से मिठाई लेकर जा रहे हैं. इधर सारा सिस्टम काफी स्मूथ कर रखा है ये लोगों ने. हमने अभी टैक्स रिफंड में भी काम किया, बहुत क्विक इजी. चल जानवी गो फॉर इट गाइस. यहाँ पे आप खुद ही सब कुछ कर रहे होते हैं, स्कैन स्कून करके आपने अपना बैग भेजना. ये देखो चला गया हमारा. इसका मतलब मेरे को एक और नौकरी मिल सकती है. भाई 1 किलो निकालना है, वुड जस्ट टेक ऑफ समथिंग. भाई कैसे निकाल लूँ मैं, जल्दी बोल, बकवास मत कर अभी. हमें एक और ट्रेन पकड़नी है, हमें एल पे जाना है, तो अंदर ही ये लोगों ने मेट्रो बना दिया. फैसिनेटिंग. हम आ चुके हैं प्रैट में. मैं इसको अभी तक प्रीत बोल रही थी और दीदी ने मुझे बोला इट्स कॉल्ड प्रैट. काफी सारे ऑप्शन है बट मुझे कुछ भी इनमें से पसंद नहीं आना है. हम अंतिम घोषणा पे आए हैं 4 घंटे पहले आने के बाद भी. कुछ कहना चाहेंगी? हम आराम से बैठे हुए थे, इतनी मजा आ गई थी मुझे एयरपोर्ट पे. मजा आ गई. यस हमारे गुजरात के बाजू में से जा रहे हैं. आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर माई गुजरात बट मिल नहीं रहा है. वी आर इन मुंबई. अलग ही खुशी होती है यार अपनी कंट्री वापस आके. आई एम तो वेरी एक्साइटेड एंड 12:30 हो रहे हैं अभी रात के. मम्मा आ गए हैं, बाहर है, सो लेट्स गो.
हेलो, हम आ चुके हैं पार्किंग लॉट में जहाँ से हमारा पिकअप होने वाला है। और सूरत गुजरात की गाड़ियाँ हैं, लाइक गुजरात डजंट हैव अ रियली बिग बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद है, बट वहाँ से मुंबई का पास पड़ जाता है। हम सूरतीज को तो बहुत ही पास पड़ जाता है, सब चीजें फाइव हमें लिफ्ट में गुजरातियों मिल रहे हैं एकदम घर जैसे। और वो भी यही बोल रहे हैं कि मदा गुजराती छे मुंबई एयरपोर्ट पर। गाइस आ गए, मम्मी भी ब्लॉग कर रही थी। हाउ क्यूट, हे मम्मी मेरे लिए कंबल भी लेके आई है। वाह 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 वाह। और ये पकड़ना जरा, मैं पहले कोट उतार लूं, मेरा बहुत गर्मी लगी। हमने अंदर थर्मल पहन रखे हैं। अब नहीं हम छोड़ेंगे तो मुझे अच्छा लग रहा तुम लोग आ गए। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी वापस आके, भले ही बेस्ट टाइम रहा हो 15 दिन मम्मी, लेकिन अब एक टाइम बाद घर चाहिए और मजा आ गई। दादी क्या पूछ रही थी, उन लोगों को अच्छा लगा? हमने कहा हाँ अच्छा लगा, तो बोले तो रहने तो नहीं जाएंगे? नहीं, मैं रहने नहीं जा सकती, चीज मुझे रियलाइज हो गई। मम्मी लाई है भाजी मेरे लिए, क्या खुशबू आ रही है, वाह मजे आ गए। और गाइस मैंने रोटी मंगवाई है पाव की जगह, बिकॉज आई एम जस्ट डन ईटिंग ब्रेड। और उसके साथ कटर था ना, कि कटर और रबर लबल लबल कटर तो किसी का लेके आ गया स्कूल बस। क्यों मम्मा घर का खाना ही जरूरी थे। दादी को ऐसा लग रहा था कि ये लोग अभी एक बार जाएंगे तो ये लोग फिर वहीं रहने के लिए न सोच ले। आज उससे बड़े घुमा फिरा के पूछती इन लोगों को कैसो लगो। लो सुबह के 7:30 हो रहे हैं एंड वी आर बैक माय रूम, आई मिस्ड यू। ओके गुड नाइट गाइस, आई विल सी यू टुमारो, मैं बहुत नींद में हूँ, बाय। हेलो गाइस, इट इज 4:00, हम अभी उठे हैं, सुबह से सो रहे थे, इतना अच्छा लग रहा है, मस्त नहा धो लिया है एंड आई एम गोइंग टू हैव पता नहीं ये फर्स्ट मील है 4 बजे हमारी एंड वी हैव सम घर की चाय, हेतल आंटी ने बनाई है बढ़िया सी एंड मस्त खाना और यहाँ पे मेरा मस्त टाइम पास है। हेलो हेलो, इससे मस्त बातें कर रही हूँ एंड हैविंग माय फूड, ये फील्स सो गुड। घर की चाय परफेक्ट। Being a चाय लवर, मुझे तो चाय बहुत ज्यादा ऐसा आई मिस्ड इट, बट मैं हॉट चॉकलेट पी लेती थी, बट चाय का काम चाय करती।